एक लैंडमार्क वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि एक डिवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन भी अपने एक्स हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एक डिवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन सेक्शन 125 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अंडर मेंटेनेंस डिमांड कर सकती है, क्योंकि मुस्लिम वुमेन एक्ट 1986 इंडिया के सेक्युलर लॉ के ऊपर प्रिवेल नहीं कर सकता। तो आखिर ये पूरा केस क्या है और क्यों मुस्लिम कम्युनिटी की वुमेन के लिए ये एक इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट है, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। दरअसल तेलंगाना के एक व्यक्ति मोहम्मद अब्दुल सामद को वहां के फैमिली कोर्ट ने उसकी एक्स वाइफ को 20,000 रुपीज पर मंथ मेंटेनेंस देने का ऑर्डर दिया था। समद ने इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया, पर वहां मेंटेनेंस के अमाउंट को बस कम करके 10,000 कर दिया गया। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। समद का कहना है कि हाई कोर्ट ने मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स एक्ट 1986, जो कि एक स्पेशल एक्ट है और वो सेक्शन 125 CRPC के प्रोविजन के ऊपर प्रिवेल करता है, उसे नजरअंदाज किया है। आपको बता दें कि मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 को राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने 1986 में इनैक्ट किया था टू नलीफाई द रूलिंग ऑन द शाह बानो केस। 1978 में इंदौर की एक वुमेन शाह बानो को उनके हस्बैंड ने डिवोर्स दे दिया था, जिसके बाद शाह बानो ने एक पिटीशन फाइल किया डिमांडिंग मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड। सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो के फेवर में एक जजमेंट दिया, पर मुस्लिम क्लरिक्स ने इस वर्डिक्ट को अपोज किया ये कहकर कि ये जजमेंट इस्लामिक लॉ के अगेंस्ट है। तब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे और मुस्लिम प्रोटेस्ट के दबाव में आकर मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 बना दिया, विच डाइल्यूटेड द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस। राउंड 1 फाइट। बीजेपी के जो रिप्रेजेंटेटिव अभी बोल रहे थे जी, मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि हम हैं मुस्लिम समाज के सदस्य, बट क्या हम हिंदुस्तान की बेटियां नहीं हैं? क्या हम नहीं आते हैं उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिसका हवाला ले लेकर कि हम माइनॉरिटी राइट्स की बात करते हैं? तो बीजेपी इस तरह से अपना हाथ पीछे नहीं खींच सकती कह करके कि ये आपका मामला है और आप संभालिए। यही कांग्रेस ने भी हमारे साथ किया था। आपको हमारी तरफ, हम मुस्लिम महिलाओं की तरफ इस तरीके से देखना पड़ेगा कि हम सिटीजन ऑफ इंडिया वैसे ही हैं जैसे हिंदू औरतें हैं, तो हमें अपने लीगल राइट्स चाहिए। हम अपने समाज में लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में हमें अथॉरिटीज के का साथ चाहिए होगा। आप इस तरह से मुंह नहीं मोड़ सकते सिंपली कह करके कि ये आपके आपका मामला है, आपके कम्युनिटी का मामला है और हम यहाँ पर बिल्कुल भी लेजिस्लेटिव में कोई भी काम नहीं करेंगे। जब ट्रिपल तलाक पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था तो बीजेपी ने उसके ऊपर लॉज अमेंड किए थे, फॉर्म किए थे। इसी तरह से इस बार भी उनको संज्ञान लेकर के इस पे काम करना चाहिए। और उससे भी आगे जाके मैं बोलूंगी कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की इसीलिए जरूरत है क्योंकि जो ये ठेकेदार लोग हैं ये कभी भी मुस्लिम औरतों को, महिलाओं को उनका हक नहीं लेने देंगे। The only thing I want to say here that Rashid Sharif Sahab is representing right now to me a Pakistani mindset. That's it. Because we cannot coexist with the secular laws. We cannot coexist with the Hindus. Because that's what is the Pakistani law. We will be ruled by the Sharia. That's it. So secular laws chahiye sirf apne minority rights ke liye. But wo secular laws khud apne community mein apply nahi karne. Sayyed, I'll come to you one second. That is the exactly Pakistani mindset, and Rashid Sharif is showing that ki within the India there lives a Pakistani mindset in the face of likes of Rashid Sharif, and I won't back up with this my statement. Sure. I see those kind of people every day, and we should be very clear about it. जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि गोवा में ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, क्या बात कर रहे हैं कि लागू ही नहीं हो सकता? उत्तराखंड में हो गया है, उत्तराखंड में हो गया, ये कैसी बातें कहना कि ये लागू हो ही नहीं सकता? ये वही धरा है। जब ट्रिपल तलाक की बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि आप इसको जरा सा भी हिला नहीं सकते, और तब भी उन्होंने यही कहा था कि ये जो ट्रिपल तलाक का जो चेंजेस है, रिफॉर्म है, ये इस्लाम के अगेंस्ट है। अरे भाई, एक चीज बहुत क्लियर कर दे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मुस्लिम इन इंडिया उनको इस्लाम के बारे में उतना नहीं पता है, और ये जो क्लर्जी बोलते हैं वो उन्हीं को इस्लाम मान लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो आप लोग बोलते हैं वही इस्लाम है। इस्लाम के अंदर हर इंसान को खुद अपना कुरान पढ़ने का और खुद अपने इस्लाम को समझने का पूरा हक दिया गया है। यही फर्क है क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में कि यहाँ पे चर्च का कंट्रोल नहीं चलता है। और जो आप शरिया की बात करते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, इसमें कयास,
उज्मा इसके इंटरप्रिटेशन होते हैं। यही शरिया को इंटरप्रेट करके सऊदी अरेबिया ने कभी कहा था कि औरतें गाड़ी नहीं चला सकती हैं। आज वहां पे कह दिया गया कि नहीं, आप किस तरह का कपड़ा पहनना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, ये कहीं कुरान में मना नहीं किया गया है। तो शरिया बदलता रहता है, ये मैन मैड है, इसके इंटरप्रिटेशन होते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं शरिया ही इस्लाम है। आपको मैंने एग्जांपल दे दिया ना सऊदी अरेबिया का, आप सऊदी अरेबिया के मौलवी से भी ज्यादा बड़े इस्लामिक स्कॉलर हो गए क्या अभी? तो आप मेरी बात सुनिए, आप हम औरतों को डराना बंद कर दीजिए कि इस्लाम के ठेकेदार आप और हम समझते नहीं। जब तक हम पांच प्रिंसिपल्स इस्लाम के मानते हैं, हम पहले कलमे को मानते हैं, हम मुसलमान हैं, हम अगर लॉ ऑफ द लैंड को फॉलो करेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे, कोई नहीं कह सकता कि हम मुसलमान नहीं रहे। ये लड़ाई ईगो की है, ये लड़ाई अपने अपने अथॉरिटी को बचाने की है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो औरतों के बारे में फैसले देता है, वहां पे आप देख सकते हैं मर्दों का बोलबाला है। तो ये अपने हाथ से इस तरीके का जो ये मिलता है ना इनको अथॉरिटी, ये कैसे जाने दे सकते हैं? पैरेलल जुडिशियली की पावर ले रखी है इन लोगों ने, तो वो उसकी लड़ाई है, ये ईगो की लड़ाई है। इनको फर्क नहीं पड़ता है कि कम्युनिटी के अंदर औरतों के साथ क्या होता है। तो एक जवाब चाहिए ना। Hello, assalamu alaikum, namaste to yet another episode of India This Week by Amna and Khalid. Today we are joined by noted Supreme Court lawyer Nikhil Mehra, and we are joined by Amna Ansari herself, who is a woman rights activist herself. So I'll be hosting, and Nikhil and Amna will come in with their perspectives. Nikhil will come in with the legalities and Amna will come in with what it means for Muslim women. तो जैसा आप देख रहे हैं टॉपिक से, इट्स अबाउट मुस्लिम वुमेन, जो एक हिस्टोरिक वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पास किया है कुछ ही दिन पहले कि दे आर एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस एलिमनी डिवोर्स के बाद अंडर सीआरपीसी, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इंडिया का है। तो पहली बात आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू निखिल, आप अगर सरल भाषा में समझाएं एलिमनी क्या होता है, और आजादी और पार्टीशन के 77 इयर्स बाद जो एक नॉर्मल चीज होनी चाहिए, उसे इतना टाइम क्यों लग गया है टू बी गिवन टू द सेकेंड लार्जेस्ट कम्युनिटी फीमेल मेंबर्स ऑफ इंडिया, जिनकी आबादी 20 करोड़ एज अ पॉपुलेशन है। तो मतलब बात सेलिब्रेशन की है, लेकिन व्हाई हैज इट टेकन इट सो मच टाइम, एंड इज एलिमनी अक्रॉस द बोर्ड फॉर ऑल Indian women? Constitution भी दे। See, देखिए, पहले तो भरत भाई and Amna, thank you so much for having me. ये जो सवाल आपने पूछा है थोड़ा सा complicated है, इसकी थोड़ी सी constitutional history पहले मैं बताऊंगा। Basically, जब हमारा fundamental rights chapter बना, और ज्यादातर जो आप rights, fundamental rights के chapters देख हैं, जिनको बिल ऑफ राइट्स कहते हैं कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में दुनिया में, उनमें जो राइट होते हैं वो ज्यादातर इंडिविजुअल राइट होता है। वो एक शख्स का अपना राइट जो वो स्टेट के खिलाफ इन्फोर्स कर सकता है। तो जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, वो एक एक आदमी की होती, एक इंसान की होती। लेकिन हमारे क्योंकि एक अलग ही किस्म का मिश्रण था जब भारत बना था, कम्युनिटीज बहुत ज्यादा थी, चाहे आप रिलीजियस एंगल से ले लीजिए, या आप कास्ट एंगल से ले लीजिए, या आप लिंग्विस्टिक एंगल से ले लीजिए, या एथनिसिटी से ले लीजिए, आप जिस तरीके से इस फल को काटेंगे ये कटेगा, मतलब क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा वैरायटी। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स चैप्टर्स में भी इंडिविजुअल राइट्स के साथ साथ कुछ ग्रुप राइट्स होते। सुप्रीम कोर्ट और जो हमारा जो पूरी एक ज्यूरिस्प्रूडेंस रही है सुप्रीम कोर्ट की, उसका एक काफी इंटरेस्टिंग हिस्सा ये रहा है कि ये इंडिविजुअल राइट और ये ग्रुप राइट को बैलेंस कैसे किया, इनको दोनों को कैसे तवज्जो दी जाए, कि एक ग्रुप राइट भी होता है जिसको हम नहीं तोड़ सकते, और एक इंडिविजुअल का राइट होता है जिसे हमें एक प्राइमेसी देनी है, क्योंकि आप कुछ भी करें, जो फ्रीडम का कॉन्सेप्ट होता है वो एक इंडिविजुअल लेवल का कॉन्सेप्ट होता है, वो कभी ग्रुप का कॉन्सेप्ट नहीं होता। ग्रुप कभी फ्रीडम नहीं देता है, ग्रुप हमेशा एक लॉयल्टी मांगता है।
लिबर्टी का कॉन्सेप्ट होता है वो हमेशा एक एक इंसान के लेवल पे होता है, ताकि एक इंसान जिस स्तर तक अपनी जिंदगी जीना चाहे वो जी सकता है, जिस तरीके से जीना चाहे जी सकता है, लेकिन ग्रुप जब आ जाता है तो वो तरीका अपना लगा। तो क्योंकि उस उन दोनों चीजों को लेकिन बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि आपके एक ग्रुप ग्रुप लॉयल्टी आई है इंडियन नेशन स्टेट की तरफ, तो उस ग्रुप के भी जो मेंबरान है उनके उनके हिसाब से आपको एक बैलेंस करना पड़ा, क्योंकि आपकी जो 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 भारत देश का जो बर्थ भी है वो भी एक पार्टीशन से हुआ है। पार्टीशन भी इस बेसिस पे हुआ है कि दो अलग मजहब हैं, ये दोनों मजहब एक साथ नहीं रह सकते हैं, ये मानना था जिन्ना साहब का, हमारा अलग मानना था, लेकिन उसको प्रोटेक्शन देने के लिए जो एक वो सीड जो एक बीज बो दिया गया था, तो आपको एक ग्रुप राइट क्रिएट करना पड़ता। वो होता क्या था कि आप समझ लीजिए, एक आर्टिकल 14 में आपने इक्वालिटी का राइट दिया, 19 में आपने लिबर्टीज दी है, 21 में आपने राइट टू लाइफ दिया, ठीक है, लेकिन 25-26 में आपने कुछ रिलीजियस राइट्स दी है, और 25-26 की जो ओपनिंग थी, अगर आप दोनों को याद हो, हमने मिलके एक बार शायद हिजाब के इशू पे किया था पॉडकास्ट, तो तब मैंने 25 की आपको एक इंटरप्रिटेशन दी थी कि 25 के जो ओपनिंग वर्ड्स हैं वो बहुत जरूरी हैं, कि इन सब्जेक्ट टू अ लॉ रिलेटिंग टू पब्लिक ऑर्डर एंड पब्लिक हेल्थ एटसेट्रा पर्सनल लॉ विल अप्लाई। मैं ब्रॉडली बता रहा हूं, एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं बता रहा, पर्सनल लॉ विल अप्लाई। अब इसका क्या हुआ कि इंटरेस्टिंग चीज ये है कि 50s में आके, अर्ली 50s में, बिफोर 57 में जब हिंदू कोड आया, उससे पहले हिंदुओं में दो शादियां होती, और एक बहुत फेमस जजमेंट आई नरसिंह, ये जजमेंट है जिसमें कोर्ट ने ये एक किस्म का बैलेंसिंग किया कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं आपके, जो 14 के हैं, 19 के हैं, 21 के हैं, वो पर्सनल लॉ पे नहीं अप्लाई करते, क्योंकि अगर आपने पर्सनल लॉ पे मॉडर्न नोशन ऑफ राइट राइट टू लाइफ लगा दिया, या आपने मॉडर्न नोशन ऑफ फ्री स्पीच लगा दिया, या आपने इक्वालिटी लगा दिया, तो पर्सनल लॉ सर्वाइव ही नहीं कर सकता, बिकॉज वो फिर आप यू आर ब्रिंगिंग, जैसे कहते हैं ना कि एक रैशनल आर्ग्यूमेंट टू द डोमेन ऑफ द रिलीजियस, एंड व्हाइल रिलीजन कैन विदस्टैंड काफी हद तक रिलीजन रैशनल आर्ग्यूमेंट सह सकता है, पर एक स्तर के बाद जाके वो रुक जाता और वो नहीं सह पाता है, क्योंकि उसके अपने नॉर्म होते हैं, अपने एक रूल्स होते हैं, और वो पुराने रूल्स हैं, और वो इस सदी के रूल्स नहीं है, और इस सदी की जो लिबर्टीज हैं उस रिलीजियस कंसेप्शन ने कभी इमेजिन ही नहीं करी। तो उनको बैलेंस करने के लिए क्या होता था कि आपका पर्सनल लॉ रहता। अब क्या है कि आपका एक सेक्युलर लॉ मेकिंग हो गया और एक पर्सनल लॉ का डोमेन, नेचुरली कुछ ओवरलैप होता। तो उनमें से एक ऐसी प्रोविजन है जो सेक्शन 125 सीआरपीसी की थी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, इसका लाइक प्रोविजन न्यू कोड में भी है, बट प्रोविजन ये था कि अगर कोई भी इंसान कुछ अपने रिलेटिव्स की का देखभाल जिसकी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि एक सीख सीख समझिए, ऐसी प्रोविजन में क्या है कि एक हमारी सोसाइटी का एक कोर वैल्यू जो होती है कि आप एक पारिवारिक सोसाइटी है और आपने परिवार का ध्यान साथ साथ रखना है, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। आप मोड़ के इंडिविजुअल फ्रीडम के बेसिस पे ये नहीं कह सकते कि मैं किसी का ध्यान ही नहीं रखूं, और ये रियलिटी इसलिए भी थी क्योंकि औरतों की इनकम कम थी, उनकी पर्सनल लॉ की वजह से उनकी इनहेरिटेंस भी नहीं थी, तो वो बिल्कुल डेस्टिट्यूट रह जाती थी अगर आदमी पिक्चर से निकल जाता, और ये सिर्फ औरतों का नहीं था, माँ बाप का भी हो सकता है बुढ़ापे में, बहन का हो सकता है, जो भी लोग आपकी डिपेंडेंसी के सर्कल में आते थे। इतने पैसे देने, शुरुआत में इसकी कैपिंग होती थी 500 रुपए पर महीना की, पर 500 रुपए उस जमाने में बहुत ज्यादा महीने के, तो वो कैपिंग धीरे धीरे हटाई गई, 125 था, फिर 500 हुआ, फिर बढ़ा, तो वो कैपिंग हटाई गई। तो आजकल अगर आप हिंदू औरत की तरफ से देखें तो हिंदू औरत तीन अलग तरीके से मेंटेनेंस मांग सकती है डिवोर्स के टाइम। पहला है सेक्शन 125 सीआरपीसी, फिर हिंदू मैरिज एक्ट और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इन तीनों के अंडर मांग सकती है, लेकिन इन तीनों जो भी कोर्ट मेंटेनेंस देगी वो इन तीनों को मिला के देगी। इन अदर वर्ड्स, ये नहीं हो सकता कि आप तीन कोर्ट मेंटेनेंस दे रही है और वो एक दूसरे के बारे में सुनी नहीं रहेगी, दूसरे किसी और कोर्ट में मिला के नहीं मिली, तो सारा मिला के समझ लीजिए एक कोर्ट ने 5,000 रुपए महीना दिया, दूसरे कोर्ट का रवैया ये है कि नहीं 5,000 कम है, मैं इस पे 10,000 और लगा, 15,000 हो गया, और तीसरा कोर्ट आके कहता है नहीं, आज के जमाने में 15,000 भी कम है, इनकी इनकम कम है, इनको कम से कम 75-80-90,000 रुपए महीने पे लाना है मुझे, तो मैं थोड़ा और इसमें डाल, थोड़ी इनकी 50,000 की समझ लीजिए इनकम है, 15,000 मैं और डाल रहा हूं, ताकि ये एक रिलेटिवली हाई रीजनेबल इनकम लेवल पे आ जाते हैं,
उसमें वो घर भी ले सकते हैं और अपना आराम से रह भी सकते हैं। तो वो तीनों का एक पोजीशन होती थी कि वो तीनों पैरेलल चलते थे और तीनों पैरेलल चलते हैं और एक हिंदू औरत को इनका राइट होता। मुस्लिम लॉ में क्या हुआ, आपको शाबानों का फेमस केस पता होगा। शाबानों के केस में एक औरत ने यही कहा कि बूढ़ी औरत थी शाबाना, उनको जब छोड़ा गया ट्रिपल तलाक के तौर, उनका यह कहना था कि मेरे को भी सेक्शन 125 की मेंटेनेंस मिलनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ये बात मानी कि दोनों चीज जो है ये पैरेलल चलती हैं, अलग हैं, इनके डोमेन अलग हैं, एक सेक्युलर लॉ है और एक क्या कहते हैं पर्सनल लॉ है। अगर पर्सनल लॉ के अंडर जो मेंटेनेंस दी गई है वो अपने में काफी नहीं है तो सेक्युलर लॉ के अंडर भी दिया जा सकता है, सेक्शन 125 के अंडर भी दी जा सकती है मेंटेनेंस, ताकि एक ह्यूमेन स्तर पे, एक इंसानी स्तर पे इंसान रह सके। तो ये आइडिया होता था। इसमें क्या था कि जैसे ही ये जजमेंट पास हुई, पार्लियामेंट ने, आपको फेमसली याद होगा द मुस्लिम वेमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट, मतलब ये कुछ एक्ट होते हैं जिनके नाम जो होते हैं ना ये बिल्कुल ही उसके 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 विपरीत काम करते हैं। तो नाम प्रोटेक्शन ऑफ वेमेन ऑन डिवोर्स एक्ट, लेकिन इसने किया क्या, इसने जाके शरिया का जो लॉ है वो कोडिफाई कर। अब आप ये समझ लीजिए कि पर्सनल लॉ के बेसिस पे जो मेंटेनेंस दी जा रही थी वो सिर्फ शरिया पढ़ के नहीं दी जा रही थी, उसे अब पार्लियामेंट्री लॉ बना दिया गया, ठीक है, और उसके हिसाब से मेहर सिर्फ इद्दत के पीरियड के लिए मिलती है। और अब क्या हुआ कि कई केस आए, ये पहला नहीं है, ये आई थिंक फाइनली अब कोर्ट का ये अटेम्प्ट था कि जितनी भी कंफ्लिक्टिंग जजमेंट्स है सबको रिजोल्व किया जाए। दो ही रवैये हो सकते हैं, एक रवैया ये हो सकता है कि पर्सनल लॉ सेक्युलर लॉ के ऊपर है इन मामलों में जो इसके अपने डोमेन के हैं, इन मामलों में सेक्युलर लॉ नहीं स्टेप इन कर सकता, एक ये रवैया रहा है कुछ कोर्ट्स का, क्योंकि बहुत मुस्लिम औरतों ने ये कोशिश करी है पास। दूसरा था कि नहीं ये पैरेलली चलेंगे दोनों, आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ क्योंकि ये एक्ट पास हो गया 1986 में तो सेक्शन 125 पूरी तरह हट गया। और उसका जो लीगल पॉइंट था वो ये था कि सेक्शन नंबर 3 जो है इस एक्ट का, उसकी जो ओपनिंग शब्द है वो नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, इसको हम कानूनी भाषा में नॉन ऑब्स्टैंटिक क्लॉज कहते हैं। और इस क्लॉज का जो मतलब निकाला गया था वो ये था कि क्लॉज क्या कहता है, क्लॉज ये कहता है कि ये जो सेक्शन है सेक्शन 3 मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट का, वो किसी और कानून के ऊपर लगेगा, कोई और कानून इसके ऊपर लग ही नहीं सकता, ये सबके ऊपर लगे, नॉन ऑब्स्टैंटिक क्लॉज का ये मतलब। तो इसकी इंटरप्रिटेशन ली जाती थी कि इसका मतलब है कि पार्लियामेंट ने जब ये शब्द डाले हैं तो उस टाइम पे सेक्शन 125 सीआरपीसी है, पूरी शाबानों की कंट्रोवर्सी हो चुकी है, मतलब पार्लियामेंट ने ये शब्द डाल के ये डिसाइड किया है अपनी विजडम में करेक्टली, और करेक्ट हो या गलत हो, कि ये सेक्शन 125 को अब एक्सक्लूड कर दे। इसका भी तोड़ निकाला गया कि नहीं ये जो लॉ है ये रिलीजियस डोमेन का लॉ है और जो 125 है वो सेक्युलर डोमेन का लॉ है, तो जो नॉन ऑब्स्टैंटिक लॉ जो मैंने पढ़ा कि ये सबसे ऊपर रहेगा, ये बाकी रिलीजियस लॉ से ऊपर रहेगा और कोई प्रथा मुसलमानों में ऐसी नहीं हो सकती जो इसके ऊपर चढ़ सके। तो वो प्योरली उसको फिर इंटरप्रेट करने की कोशिश करी गई कि ये प्योरली रिलीजियस डोमेन में रहेगा, और यहां से इंटरप्रेट करने की कोशिश की गई कि सेक्युलर जो है वो अलग डोमेन रहे। तो ये बेसिकली कॉम्पिटिशन ये थी, और इन सवालों को इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट ने, डिविजन बेंच ने रिजोल्व करने की इस बार कोशिश करी। थैंक यू निखिल ये समझाने के लिए कि अभी तक ऐसा इश्यू क्यों था। आमना, आप कल से काफी सारे न्यूज पैनल्स में थी और वहां पे जितने भी रिलीजियस क्लर्जी थे मुस्लिम्स के वो इस चीज से खुश नहीं थे कि जो एक बेसिक राइट किसी भी लेडी का, और आप ही ने कहा दिस लॉ इज नॉट ओनली फॉर मुस्लिम वुमेन, इट्स फॉर इंडियन वुमेन सिटीजन ऑफ एनी रिलीजन, लेकिन वो बड़े उदास थे और वो बड़े इस चीज पे चिंतित थे और आपने काफी अच्छे आर्गुमेंट सुने दिए। तो प्रॉब्लम क्या है उनकी, मतलब जबकि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ये दे रहा है एक इंडियन मुस्लिम वुमेन को एलिमनी का राइट दे रहा है मेंटेनेंस का, जो हर दूसरे मजहब की औरत को भी मिलता है, तो उनकी आर्ग्यूमेंट क्या है?
कि ये क्यों ठीक नहीं है। उनके आर्ग्यूमेंट है कि शरिया में ऐसा नहीं है और हमारे अलग तौर तरीके हैं बेसिकली. अच्छा एंड द आई मीन आई डोंट नो हाउ टू पुट इट. सो बेसिकली उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि एक बार जब डिवोर्स हो जाता है तो उसके बाद हस्बैंड या वाइफ जो कभी रहे थे हस्बैंड वाइफ, अब उनका कोई एक दूसरे से लेना देना नहीं है. तो ओके ऐसे में हस्बैंड क्यों पाले औरत, दैट इज देयर वर्डिंग. इट्स वेरी इट कम्स लाइक अ वेरी डिसरेस्पेक्टफुल वे. एंड इवन एक मौलवी ने तो यहाँ तक बोला कि रूबिका ले आकर बोल रही थी कि आप ऐसा थोड़ी ना है कि डिवोर्स देके भाग जाएंगे. तो ही स्टार्टेड डिमीनिंग वुमेन की भाग जाएगी, लाइक दे हैव नो सेंस इवन टू हैव अ प्रॉपर कम्युनिकेशन. तो उनसे और क्या उम्मीद की जाए. आई डोंट थिंक कि मोस्ट ऑफ दिस क्लर्गी एंड दिस अल्ट्रा कंजर्वेटिव पीपल, दे इवन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एजेंसी. दे अंडरस्टैंड द रीजन कि क्यों मेंटेनेंस अगर दिया जाता है तो क्यों दिया जाता है, क्या वजह है इसके पीछे. सो इन सब चीजों का उनके पास कंसेप्ट ही नहीं है. दे आर लिविंग इन अ सर्टन वे विद सर्टन वैल्यूज और उसके ऊपर वो सोचने को तैयार भी नहीं है. प्लस बट सबसे ज्यादा जो चीज यहाँ पर इम्पोर्टेंट मुझे लगी कि वो आपको न्यूज चैनल के ऊपर बैठ के ही इस्लाम सिखाने लगेंगे, ठीक है. एंड इट्स वेरी डिसरिस्पेक्टिंग और डिसरिस्पेक्टफुल एंड इवन अगेंस्ट द इस्लामिक टीचिंग मैं बोलूंगी, क्योंकि इस्लाम के अंदर सेंट्रल अथॉरिटी नहीं दी गई थी कि चर्च के जैसा है. तो एवरी मुस्लिम इज लाइक कस्टोडियन ऑफ इस्लाम एंड दे कैन इंटरप्रेट फॉर देम सेल्फ एंड दे कैन अपना जो भी उनको इस्लाम मानना है. तो यहाँ ना ब्लैकमेलिंग चलती है इस्लाम के नाम पे बेसिकली, कि अगर तुम अपना राइट मांगोगे तो हम तुम्हें ये बोल देंगे कि तुम तो मुस्लिम नहीं हो और तुम इस्लाम के अगेंस्ट जा रहे हो. एंड दिस वर्क वेरी वेल क्योंकि लड़कियां और औरतें डर जाती हैं. इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर प्रॉब्लम ही यही है कि इस्लाम के बारे में, टू बी फेयर, हमारे लिए इस्लाम वही होता है जो हमें क्लर्गी टीच करते हैं, राइट. तो हमें ये तक नहीं पता है कि इस्लाम में कुरान क्या है, हदीस क्या है, शरिया एक्चुअली जिस तरह से ये लोग शरिया को बताने की कोशिश करते हैं कि वर्ड ऑफ द गॉड है, दैट्स नॉट ट्रू. मैं अभी मुस्लिम समाज की बात कर रही हूँ, मुस्लिम सोसाइटी के, मुस्लिम के अंदर जो चीज हम मानते हैं कि वर्ड ऑफ द गॉड है, दैट इज ओनली कुरान. शरिया हर चीज पे बेस्ड है, उसमें इज्मा क्यास है. और यहाँ तक कहा गया है कि आपको कॉन्टेक्स्ट समझने हैं, आपको देखना है कि गिवन सिचुएशन एंड टाइम में क्या चीज अप्लीकेबल होना चाहिए क्या नहीं. सो आपको अपना दिमाग भी यूज करना है, राइट. यही रीजन है कि अगर आप शरिया की भी हिस्ट्री देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट मुस्लिम मेजोरिटी इस्लामिक कंट्री में शरिया की भी डिफरेंट डिफरेंट वर्जन है. एंड मैं तो सिंपल सा सऊदी का ही एग्जाम्पल लूंगी. 10 साल पहले औरतों की ड्राइविंग करना अगेंस्ट शरिया इस्लाम था, आज 10 साल के बाद वही इंटरप्रिटेशन बदल गया है. तो औरतों का ड्रेस भी उनकी राइट हो गया है कि वो अबाया लगाए, अपने बाल खुले रखें, ये सब उनका राइट है, राइट. तो इसका मतलब है ना कि शरिया इवॉल्व हो रहा है और इसको बदला जा सकता है, पहली बात ये. सेकेंड बात जो वो हम लोगों को गुमराह करते हैं वो ये कि जब हम सेक्युलर कंट्री में रहते हैं, राइट, हम इस्लामिक कंट्री में नहीं रह रहे हैं, इसी की वजह से हम अपने लॉ ऑफ लैंड को फॉलो करते हैं. और लॉ ऑफ लैंड को फॉलो करने का मतलब ये नहीं है कि आप अगेंस्ट इस्लाम चले गए हैं या किसी तरह के कंट्राडिक्शन में हैं. वेस्ट के अंदर बहुत सारे मुस्लिम रहते हैं, वो चाहे वो सिविल मैटर हो या फिर ये क्रिमिनल मैटर हो, वो दोनों में ही लॉ ऑफ द लैंड मानते हैं. तो आप ये कैसे क्लेम कर दोगे कि वो अच्छे मुस्लिम नहीं है. या लेट से इंडिया का मुसलमान जो है, क्या वो सेक्युलर लॉज नहीं मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं. हम जब क्रिमिनल प्रोसीजर की बात आती है सेक्युलर लॉ फॉलो करते हैं. एंड इंडिया के दो स्टेट में, गोवा में पहले से था यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड अभी इसमें उत्तराखंड में भी आ गया है. तो आप क्या ये आर्ग्यूमेंट देना स्टार्ट कर देंगे कि वहां के मुस्लिम मुस्लिम नहीं है? सो क्या चीज है कि बेसिकली ये जो बोलते हैं इनके पास बहुत अथॉरिटी है एंड इनके इनको है कि हम दूसरों को डरा देंगे कि तुम इस्लाम के अगेंस्ट जा रहे हो, तुम मुखालफत कर रहे हो हर चीज की. एंड वही वो जो वेपनाइज कर, किसको मैं बोलती हूँ, रिलीजन का वेपनाइजेशन करना. जब भी कोई औरत खड़ी होकर के अपना हक मांगेगी या बोलेगी कि मुझे ये चाहिए, वो वेपनाइजेशन होता है. प्लस एक बहुत चीज उन्होंने अच्छे से इंश्योर की हुई है, ये जो पूरा क्लर्गी का जो ये वो है ना, क्या बोलूंगी मैं इसका, कि एक तबका है जो इसमें विमेन की एंट्री ही नहीं की है. तो सारे के सारे जो इंटरप्रिटेशन है, जो भी चीजें हैं, वो तो सब हमेशा मर्दों की तरफ से आते हैं ना. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने आप में पूरा मेल डोमिनेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है. तो वहां जब औरतें हैं ही नहीं,
तो आएगा कहाँ से वो वाले जो इंटरप्रिटेशन भी होंगे, या फिर एक अलग जो अल्टरनेटिव्स आ सकते हैं, वो कभी नहीं आते हैं हमारे समाज के अंदर सुनने को। एंड उसी का जो फायदा उठा करके हर तरह के वॉइसेस वो चुप करा देते हैं। टिल नाउ मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि अभी तक मुझे एक भी एक साहब या दो साहब मुझे मिले थे, एक उत्तराखंड से आया था जिन्होंने सपोर्ट किया, और उन्होंने बोला बिल्कुल सही है, आप यूसीसी में को फॉलो कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट मोस्ट ऑफ द क्लर्गी का यही प्रॉब्लम है कि टू मी पर्सनली मुझे लगता है कि इट्स लेस अबाउट द शरिया एंड ऑल, मोर अबाउट देयर अथॉरिटी। जो उनको रायत मिल चुका है ना, कि पैरलर जुडिशरी टाइप का पूरा सिस्टम चला रहे हैं, वो अपने हाथ से जाता हुआ दिखता है, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, ये आपने जो बात एंड में कही है बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये सिर्फ जुडिशरी, इनकी जुडिशियल पावर की बात नहीं है, ये टोटल कंट्रोल की बात है। और इसमें अगर आप एक बार ये चीजें फिसलने लगी तो वक्फ भी फिसलेगा, अगर वक्फ फिसलेगा तो उसमें लैंड इतनी चली जाएगी, इतनी जो आपने वैल्यू जो अकोमोडेट करके अक्यूमुलेट करके रखी हुई है वो भी जाएगी, और अगर वो जाएगी तो आपकी जो जो एक ये आप जो देन लेन देन चलता रहता है जिसकी वजह से आप कंट्रोल रखते हैं नोडल लोगों पे सोसाइटी में, देखिए आप कोई भी एक एरिया हो उसमें 10 12 15 लोग ऐसे होंगे जो आपके नोडल लोग होंगे, कि अगर आप इनके साथ आपका व्यवहार ठीक है, आपके रिलेशन ठीक है, तो ये बाकी को कंट्रोल में रखते हैं और आपकी अथॉरिटी इसी की वजह से बनी रहती है। और इसीलिए मेरे लिए ये चीजें दो हर जगह हर डायरेक्शन में जाती है, इसीलिए आपका एक मॉडर्नाइजिंग मुस्लिम लीडर होना बहुत मुश्किल है, राइट? तो आप जब जैसे सबा नकवी वगैरह कहते रहते हैं कि ऐसा क्यों नहीं है कि मुस्लिम लीडर मिलता है भाजपा में या किसी और पार्टी में जो एक प्रोग्रेसिव आवाज है, और आप प्रोग्रेसिव आवाज नहीं दे सकते, आपको वोट नहीं मिलेगा, वोट इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि एक पेट्रियट्स का सिस्टम बना। तो ये सिस्टम जब टूटने लगेंगे तो अलग होगा। और दूसरी चीज मैं देखना चाहता हूँ, बहुत मेरे को अम्यूजिंग एनेक्डोट दिखा उस दिन, 10th सेंचुरी में स्पेन से अंदलुस से एक आदमी, एक मुसलमान बगदाद जा, और वो देख के हक्का बक्का रह जाता है कि यार हम तो वहां पे कुरान 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 करे जा रहे हैं, यहाँ पे तो मॉडर्निटी आ चुकी है, बिकॉज ये प्योर रीजन की बातें कर रहे हैं इस टाइम। ये इस्लाम हैड इट्स एज, एक पीरियड था जब वो प्रोग्रेशन बहुत जल्दी हुई थी, और उसके बाद जो रिफॉर्म हुआ वो एक्चुअली जो रेफॉर्मेशन बाकी देशों में मॉडर्निटी की तरफ गई है, ये उनकी रेफॉर्मेशन उल्टी तरफ आ गई, बिकॉज ऑफ वहाबीज्म, बिकॉज ऑफ दीज अदर मूवमेंट्स, इन्होंने वापस खींच दिया। तो ये अक्सर होता है कि जो स्रोत एरिया होता है वो तो डेवलप करने लगता है अपने आप को, अपने आइडिया को, क्योंकि उसको कोई डर नहीं है, वो आइडिया का स्रोत है, वो नया आइडिया क्रिएट करेगा, उसको लेजिटिमेसी की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो बाहर का आदमी होता है वो हमेशा अपनी लॉयल्टी प्रूव कर रहा होता है, जो ज्यादा दूर होता है, तो इसलिए वो ज्यादा और कट्टर होने लगता है, होने लगता है। और आपको ये दिखेगा, आप जाके देखेंगे, अगर जैसे हमको इंडियन अमेरिकन और इंडियन और हिंदू जो यूके में है उनमें ज्यादा दिखता है कि बहुत पाठ पूजा करते हैं, बहुत ज्यादा मंदिर लगे होते हैं इनके घर पे, हम लोग इतना नहीं करते, हम लोग इतना नहीं सोचते, क्योंकि हमको लॉयल्टी प्रूव नहीं करनी। तो समटाइम्स यू नो यू हैव टू बी मोर लॉयल देन द किंग व्हेन यू फर्दर अवे। बट ये जो आपने पेट्रोनेज की बात की बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीजें जकड़ के रखती थी, और इनको अगर इनके अगर आप जो इनके पिलर्स है इनको तोड़ने लग गए तो ये मामला फिर खुद ही फिसल जाएगा। तो कुछ वो मामला सॉरी निखिल, मैं आपसे पूछने वाला था कि जो वायलेंस ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, मतलब जब वो आई वजूद में पोस्ट शाहबानो जब उन्होंने किया, जहां उन्होंने इंडियन स्टेट को रैंसम पे रखा कि अगर आप शाहबानो को मेंटेनेंस देंगे तो वो हमारे पर्सनल लॉज के साथ आप इंटरफेरेंस करेंगे, लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट ने सॉर्ट ऑफ वही चीज कह दी है और उस चीज को ओवरटर्न नहीं किया जा रहा है, आज उनका रिएक्शन वो नहीं है, आज वो कह रहे हैं, फिलहाल वो कह रहे हैं हम पढ़ रहे हैं, इट्स अ बिट ऑफ अ केजी रिएक्शन, वो थोड़ा मतलब कोशिश भी कर रहे थे आमना जैसी वॉइसेस को बुली करने का, लेकिन हो नहीं पाया, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपके पास दोनों विकल्प हैं, आप या तो पर्सनल लॉ का रास्ता अपनाएं या तो सेक्युलर लॉ का रास्ता अपनाएं। और या दोनों एक साथ, दोनों वो भी है। हाँ, मैं तो इसको आप कैसे देखते हैं? एक टाइम पे आके मैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, दोनों जजेस ने अपनी जजमेंट लिखी और दे वर गुड इनफ कि एक सेपरेट ऑर्डर निकाला जिसमें उन्होंने इनंसिएट कर दिया कि हमारी जजमेंट का मतलब क्या है, इसका इफेक्ट क्या है, बहुत सिंपल 1.5 पेज का है, उसमें क्लैरिटी आ जाती है कि वो क्या कह रहे हैं, राइट? सो वो पूरी कंक्लूजन वहां पे आई हुई है, मैं एक बार आपको पढ़ के भी सुनाऊंगा। बट जो आप कह रहे हैं उसका उसका एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है। सोशियोलॉजिस्ट और पॉलिटिकल साइंटिस्ट थ्रू आउट 60s 70s 80s 90s 2000, वो हमेशा उनका एक पर्सपेक्टिव रहा है, इनफैक्ट थोड़ा अभी भी वही है
कि इंडिया इज अ स्ट्रॉन्ग सोसाइटी एंड अ सॉफ्ट स्टेट, राइट? जो इंडियन स्टेट का जो मसल पावर है वो लिटरली सिर्फ व्हाट यू कॉल सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स को सप्रेस करने में लगा है. जो एक्चुअल पुलिसिंग होती है ग्राउंड लेवल पे वो तो है ही नहीं इंडिया, बहुत कम हो गया. अब आपको दिखती होगी, आई एम सर्टनली सीइंग इट. मेरे को पिछले 5-7 साल से पुलिसिंग एटलीस्ट, क्योंकि मैं तो दिल्ली में रहता हूं तो मेरा वो एडवांटेज है, मुझे सिर्फ पुलिसिंग दिखती नहीं है, मुझे प्रोफेशनल लेवल की पुलिसिंग, और उनसे आप बात भी उसी तरीके से करते हैं और वो आपके इन्फोर्स भी करता है. मैं ये नहीं कह रहा कि इसका मतलब है कि करप्शन खत्म हो गई, करप्शन तो रहती है, कोई डाउट नहीं है, करप्शन रहती है, लेकिन पुलिस आपको अब दिखेगी, कई जगह दिखेगी, और एफिशिएंसी उनकी अलग लेवल की पहले से बढ़ गई है. वो एक स्टेट कैपेसिटी की बात है, वो तो बढ़ता रहेगा. सो वो डायरेक्ट आंसर है जो आप कह रहे हैं खालिद जी, उसका डायरेक्ट आंसर है 80s में अगर ये सड़क पे आके धूमधमाका मचाते तो किसी में कैपेसिटी नहीं थी रोकने की, राइट? अब वो नहीं है कैपेसिटी, अब आप वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक बार CIA में यूपी में आपने ट्राई किया, यूपी में देखा क्या हुआ, बाकी स्टेट्स में CIA के प्रोटेस्ट में पुलिस, वो कैपेसिटी मैंने पुलिस की पहले कभी देखी नहीं थी. ये तो छोड़िए कि आपको सड़कों से हटा दिया, आपके घरों में घुस के पीट लगा, मैंने कभी ये कैपेसिटी नहीं देखी थी. करेक्ट या इनकरेक्ट की बात नहीं कर रहा मैं अभी मैं एक बेसिक स्टेट के थ्रेट की बात कर रहा हूँ. स्टेट का थ्रेट बढ़ गया है पहले से, राइट? एंड अगर आपने एक्चुअल प्रोटेस्ट करना है तो लेट्स बी क्रिस्टल क्लियर, पहले तो बरेलवी सेंटर्स में करोगे आप, तो आपको वेस्टर्न यूपी तो आपको डेफिनेटली आपको इस जकड़ में पकड़ना पड़ेगा, वो आप छू नहीं सकते वहां पे, क्योंकि वहां पे पुलिस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है. दिल्ली वगैरह में आपने क्या वही करना है जो बाकी लोग करते हैं, जाके इंडिया गेट में मोमबत्ती जलानी है और क्या करना है, उससे ज्यादा क्या कर पाओगे दिल्ली वगैरह में, क्योंकि यहाँ पे भी पुलिस बहुत स्ट्रांग है. बाकी एरियाज में हैदराबाद वगैरह में थोड़ा बहुत आप प्रोटेस्ट कर लोगे, बट ये चीजें जो है, ये इसमें एक सेकेंड एलिमेंट ये है कि ये डिबेट जो है ये नई नहीं है. इसमें कई जजमेंट्स बीच में आ चुकी हैं जो इसी जजमेंट में साइटेड की गई हैं कि ये एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बन रहा है. सो परहैप्स ये जो झटका आया ये एक बार में नहीं आया है, ये अब्सॉर्ब होके आया है, तो इसलिए ये ऑलमोस्ट एंटिसिपेटेड था. देखिए जो लोग इन केसेस को फॉलो कर रहे हैं, यार केस को देख लो पहले, क्या है केस? कोर्ट ने, एक ट्रायल कोर्ट ने बोला आपको 20,000 रुपए महीने ऊपर से देने पड़ेंगे, कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, और प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? उसको भी हाई कोर्ट ने बदल के बोल दिया नहीं 10,000 रुपए महीना. ठीक है, अब अगर मैं इनकी तरफ से होता, और यही मैंने इनको बोला था, यही मैंने एक डेवल्स एडवोकेट प्ले करके एडवाइस दी थी, इवन जब इनका जजमेंट आई थी इनके अगेंस्ट बॉम्बे हाईकोर्ट में, कहां की थी यार, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट, अब्दुल समद, नहीं, तो तेलंगाना जिसपे आया है, जो हाजी अली में जो एंट्री की जो जजमेंट आई थी, मैं तब भी ये कह रहा था हाईकोर्ट की जजमेंट है, चुपचाप बैठ जाओ, सुप्रीम कोर्ट ले जाओगे तो दफन हो जाओगे, एक बार खत्म हो जाओ. इसमें भी क्या किया, बैठ जाते हैं, एक हाईकोर्ट की जजमेंट है और हाईकोर्ट की अलग है, ठीक है चलने दोगे थोड़ा सा अगर आपने करना था अपनी तरफ से. सुप्रीम कोर्ट ले जाके, उस टाइम पे जब ये सुप्रीम कोर्ट ले गए हैं, उस टाइम तो आप समझ सकते हैं कि जिसका भी इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है वो इस केस को बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा होगा, उसने सुनवाई भी पूरी सुनी होगी, उसने सवाल भी पूरे सुने होंगे, और जजमेंट ऑटोमेटिकली नहीं आती है, जजमेंट में टाइम लगता है, तो ये एंटिसिपेटेड होगा कि ये जजमेंट आ रही है, राइट? एंड आप स्टेट कैपेसिटी का डिफरेंट एंगल देखिए. देखिए पास्ट में जब राम टेम्पल का इनॉग्रेशन हुआ तो उस दिन भी प्रॉब्लम बहुत हो सकती, बहुत जगहों पर हो सकती, ये चीजें बहुत कॉमन होती थी इंडिया में, सब खत्म हो गया, स्टेट कैपेसिटी अलग लेवल पे आ चुकी, राइट? और जैसा आपने कहा, आई वांट टू ऐड टू दैट, देयर इज एन अवेयरनेस आल्सो ना, वो जो आपके हिंदू लेफ्टिस्ट एलाइज भी है वो भी कहां इंटेलेक्चुअल सपोर्ट ऐसी चीज को देंगे, और फिर आप मुझे, लेकिन उसमें खालिद नामना, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बिकॉज मैकेनिक्स जो है, आर्किटेक्चर है इस पावर का, आप मुझसे बेहतर समझते हैं. समझ लीजिए कि आज मोदी सरकार नहीं होती, कांग्रेस सरकार होती है, मिलीजुली सरकार होती इंडिया अलायंस की, तो क्या अलग हो सकता था सड़क पे? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता, बिकॉज अवेयरनेस इतनी है ना, एजुकेशन भी आ गई है कॉम में, तो वो एक नॉर्मल जो मुस्लिम है, वी आर नॉट इवन हियरिंग कॉन्वर्सेशंस अबाउट इट एट होम, और पॉलिटिकल लेवल की गलत हुआ, पॉलिटिकल लेवल पे भी इतनी हिपोक्रेसी नहीं कर सकते यार आप, एग्जैक्टली इस लेवल की हिपोक्रेसी नहीं कर सकते. कि देखो आपने, जैसे आमना ने अभी, मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग ये एक माइंडसेट का डिफरेंस लगता है, इसमें टाइम नहीं लगता पकड़ने में, बहुत जल्दी आ जाता है. हिंदू पर्सनल लॉ जो है
मान लीजिए कि जिसको आप हिंदू मैरिज एक्ट कहते हैं या हिंदू डिवोर्स एक्ट कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, उसमें हिंदू कुछ बचा ही नहीं, सक्सेशन एक्ट हो जाए, कुछ हिंदू बचा ही नहीं है उसमें। इवन HUF जो होती है, HUF का कॉन्सेप्ट ये नहीं था कि आपने एक टैक्स सेविंग डिवाइस अभी के लिए बना ली, जो ये बार बार आपको बोगी देते रहते ना UCC का, अरे तो अपनी HUF छोड़ दो भैया, HUF बहुत पहले छूट चुकी है। HUF का कॉन्सेप्ट होता था एक परपेचुअल लाइन होती थी परिवारों में, जैसे रजवाड़ों में होती थी ना कि एक राजा के बाद दूसरा राजा के बाद दूसरा, परिवारों में भी यही होता था कि सबसे बड़ा भाई बेटा आएगा वो कर्ता बनेगा, फिर अगला आएगा वो कर्ता बनेगा, फिर अगला आएगा वो कर्ता बनेगा, और परिवार का एक जो वो संपत्ति है वो जुड़ती रहेगी जुड़ती रहेगी जुड़ती रहेगी, राइट। और उसका एक कंट्रोल एलिमेंट उसमें भी था कि आप सारी संपत्ति तो आपने इसे एक कॉन्सेप्ट में डाल दी, तो जो बाहर जाने की कोशिश करेगा वो कैसे जाएगा, राइट। उसको भी एक इंसेंटिव है कि अंदर की तरफ ही रहो, वो टूट गया 2005 में। इन एनी इवेंट आपने एक लॉ पास कर दिया कि जब पेट्रियार्क की डेथ होती, कर्ता की डेथ होती है, तो ऑटोमेटिक पार्टीशन, ऑटोमेटिक पार्टीशन के बाद जो हिस्सा आपके पास आता है वो इंडिविजुअल पर्सनल शेयर आता है, उसमें कोई HUF नहीं होती, तो HUF का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, राइट। तो 57 में जो चेंजेस आए, 2005 में चेंजेस आए, इनकी जो जजमेंट्स आई बीच बीच में, इसको लगाने के बाद हिंदू एनालिसिस टुडे व्हेन इट रिलेट्स टू मैट्रिमोनियल एलिमनी, नॉट एलिमनी, वी कॉल इट मेंटेनेंस, राइट, वो इकोनॉमिक क्वेश्चन। तो मैं जब इन चीजों को एनालाइज करता हूँ, आप कभी भी किसी महिला कोर्ट में जाइए, अपने शहर में कहीं भी महिला कोर्ट जाइए, आपको एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है इनएफिशिएंट लगेगा एट टाइम्स, बट आपको ये दिखेगा लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, इकोनॉमिक क्लासेस की बात कर रहा हूँ, कितना फायदा उठाया इन औरतों ने इन कोर्ट्स का, भी बहुत जरूरी था, इसके बिना प्रोटेक्शन नहीं थी, इसके बिना बेनिफिट नहीं मिल रहा था, राइट। और ये सवाल इकोनॉमिक हो गया कि शादी टूटेगी, अब जब शादी टूटेगी क्योंकि आपका एक इंबैलेंस है वर्कफोर्स में, औरतों और औरतें कम काम करती हैं, औरतें ज्यादा घरों में होती हैं, और उनका इन एनी इवेंट उनकी देयर इज डिस्क्रिमिनेशन, की पे कितनी मिल रही है पर्टिकुलरली इन दो स्ट्राटा, क्योंकि उसमें आपका फिजिकल लेबर वाले काम होते हैं, उसमें आदमी को ज्यादा पैसे दिए जाते हैं, एक्सप्लॉयटेशन बहुत होती है, तो पैसे कम होते, तो ये कॉस्ट बेयर कौन करेगा भी? देखो सेम कॉस्ट, मैं आपको आज एक केस बताता हूँ, आज एक केस था, हमने इनफैक्ट एक मैं डिवोर्स ही करवा रहा था आज, तो लड़की आई, यंग लड़की डिवोर्स ले रही है हस्बैंड से, हस्बैंड कहता है कि मैं मुझसे 1 करोड़ मांग रहे थे, मेरे पास 1 करोड़ नहीं है देने के लिए, मैं नहीं कर सकता, 10-15 लाख में माने तो ठीक है, लड़की ने मना कर दिया मैं नहीं मानती, तो जज भी कह रही है भैया क्या करें आप, क्या 10-15 लाख में भी नहीं मानते, कोई छोटा अमाउंट तो है नहीं, कहती है मेरा एक बच्चा है उसको एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसका महीने का इतना खर्चा लग जाता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आप एक साथ हो ना तो ये खर्चे एक्चुअली आधे हो जाते, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड करने लगते और कई चीजें आप एक दूसरे के साथ ही कर लेते, जब एक आदमी एक इंसान ये सारा भार उठा रहा होता ना तो एक्चुअली वो खर्चा उतना नहीं रहता, उससे ज्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज कहीं पे आपको चाइल्ड केयर के लिए एक्सटर्नल चाइल्ड केयर चाहिए होगा, कहीं पे आपको ज्यादा एक्सटर्नल मेडिकेशन चाहिए होगी, ये चीजें बढ़ने लगती। सो जब ये कॉस्ट एक आ जाती है, स्टेट का ये रोल होता है कॉस्ट को कहाँ एलोकेट करना, उन्होंने बड़े सिंपली डिसाइड कर लिया कॉस्ट एलोकेट होगी टू द हस्बैंड बस, वरना स्टेट अपने पे ले, पेरेंट पे दे, कहीं और दे, ये सब नहीं करना है, कॉस्ट विल बी एलोकेटेड टू द हस्बैंड, राइट, बिकॉज पेट्रियार्की इज द नॉर्म। और इसमें गलत नहीं है कुछ, गलत तब होता है जब इसको अब्यूज करने लगो, अब्यूज एक अलग बात है, अब्यूज हर लॉ का हो, उसको जरा साइड कर देते हैं, और अब्यूज के जितना अब्यूज आप देखते हैं उसके उसमें आप वो एक छोटी बिंदु के मुकाबले है बाकी जो अब्यूज औरतें सहती हैं उसके 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 अगेंस्ट, राइट। तो ये जरा एक पर्सपेक्टिव होता है, तो हिंदू सोसाइटी में क्योंकि वो रिलीजियस एलिमेंट निकाल ही दिया लॉ से, आपने एनालिसिस ही प्योर अब एसेट बेस्ड हो, राइट, जो ये होना चाहिए, क्लीन क्लियर, कैसे सर्वाइवल होना, आगे बढ़ो जिंदगी जिंदगी दोनों ने चलानी है, खत्म करो अभी, क्योंकि मुस्लिम लॉ में अभी भी वो डॉक्ट्रिनल बैटल चल रही है कि भैया पर्सनल लॉ प्रिवेल करेगा या सेक्युलर लॉ प्रिवेल करेगा, या पर्सनल लॉ क्या कहता है या नहीं कहता है, और आज सामना से नहीं, मेरे हिसाब से तो मेरा जो पर्सनल लॉ है, जो रिलीजियस लॉ है, वो भी एक लिविंग लिविंग ऑब्जेक्ट की तरह है, वो भी इवॉल्व करता रहता है, वो भी बदल सकता है डेफिनेशंस में, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए उसकी कंपैटिबिलिटी में विद सेक्युलर लॉ, राइट। तो ये डिबेट्स अभी भी आपकी चल रही, और ये डिबेट्स इस टाइप की जजमेंट्स जो हैं इनको खत्म कर देती, ये जजमेंट आ गई, एक हाथी का पांव एक किस्म से पड़ गया पूरे इशू, अब कर लो जो करना, अब आप रोक नहीं सकते, क्लियर फाइंडिंग है कोर्ट की, अ मुस्लिम वुमन हैज द राइट टू गो अंडर बोथ लॉज। आपने आज अपने प्रिंट के आर्टिकल में लिखा था कि
काफी मतलब यू नो यू हैड acknowledged and celebrated you know the ruling, but आपने साथ में ये भी लिखा था कि इसके बाद भी मुस्लिम वुमेन क्या डेयर करेंगी ये सेक्युलर लॉ के लिए, तो उस पे जरा आप जरा why do you have your inhibitions? या मैं उसका आंसर देने के बाद ये भी बोलना चाहती हूँ कि अभी निखिल ये बात कर रहे थे ना कि या इस सवाल आपका इतना खालिद कि अभी इतना क्यों नहीं मुस्लिम्स के जो फंडामेंटलिस्ट हैं या कंजर्वेटिव इतना क्यों नहीं उछल रहे हैं, मुझे तीन चीजें लगती है। एक तो स्टेट अब बेटर मैनेज करती है इस तरह की चीजों को, दूसरा मुस्लिम समाज में स्लोली स्लोली फर्क भी आया है, चेंजेस हैं, अब लोग थोड़े अपने पर्सनल लाइफ को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। अगर उनको ओपिनियन भी है कि दिस इज नॉट राइट, दे वोंट फाइंड इट कि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हम सड़कों पर जाके अपने लाइफ का रिस्क लें, यू नो दे वांट टू लिव पीसफुल लाइफ। एंड थर्ड मुझे ये लगता है कि देखो पावर में कौन है दैट मैटर्स, तो जब इनको लगता है कि ऐसी गवर्नमेंट पावर में है जो हमारी सुनेगी या फिर हम उनको अपने वोट का डर दिखा के ब्लैकमेल कर सकते हैं, दैट गिव्स देम डिफरेंट काइंड ऑफ बूस्ट कि अब हम जाके करेंगे ये, व्हेन दे ऑलरेडी इन देयर माइंडसेट पता है कि ये तो ब्लैकमेल हो नहीं सकते, वो चीज भी एक रोल प्ले करती है कि हमें कुछ करना है या नहीं करना। सो फॉर मी देयर आर मल्टीपल फैक्टर, और भी होंगे वी कैन थिंक अबाउट, पर मैं ये तीन ही सोच पा रही हूँ। एक चीज मैं और बोलना चाहूंगी कि ये जो लॉ है इसमें जो मैं पढ़ जितना बहुत पढ़ा उसमें एक चीज उन्होंने बहुत अच्छी लिखी है कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो हमेशा ये पुश करने की कोशिश करते हैं कि यही है जो है ये 86 का जो बना हुआ है मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑन डिवोर्स वाला, एंड जो ये वाला है जो 125 है वो उसके अपोजिशन मतलब काइंड ऑफ उसके अगेंस्ट है, ये दोनों कंट्राडिक्शन में है, पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं एंड विमेन दोनों के ही द्वारा अपना जो है मेंटेनेंस मांग सकती है, देर इज नो कंट्राडिक्शन इन इट कि तुम एक के लिए जाओगे या सिर्फ दूसरे के लिए जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये इनको बहुत डरा रहा है आई कैन सी, क्योंकि इनके जो आ रहे हैं वो स्पीचेस आ रहे हैं वो फिर से यही बात बोल रहे हैं कि इसमें कंट्राडिक्शन है। एक और बात मैं बोलूंगी जो मैंने अपने आर्टिकल में भी लिखी है, नो बडी कैन सी, तो अभी भी पॉलीगेमी अलाउ है हमारे कम्युनिटी में वेरी सैडली। ठीक है मैं मानती हूँ कि नंबर उतने नहीं है ग्रेट, उतना स्टैटिस्टिक नहीं है लेकिन है। ठीक है तो अब ये चीज जो है ना क्या होता है कि अगर हस्बैंड ने दूसरी वाइफ लेकर आया शादी में, तो आप इमेजिन कीजिए कि जो पहली वाइफ है अगर वो नहीं भी रहना चाहती है शादी में, व्हाट शी विल डू, क्योंकि उसके पास तो और कोई फाइनेंशियल मीन नहीं है, तो शी नीड टू स्टे देयर, बट नाउ शी नोज कि अच्छा मैं जाके मेंटेनेंस ले सकती हूँ डिवोर्स करके भी। ठीक है तो फॉर मी दिस इज सम काइंड ऑफ पुटिंग बाउंडेशन ऑन पॉलीगैमी एज वेल, कि अब हस्बैंड को पता है कि बीबी तो मेरी बर्दाश्त करेगी और मैं दूसरी भी रखूंगा, उसके जगह ही नोज कि इसका मेंटेनेंस देना पड़ेगा तब मैं दूसरी रख सकता हूँ, वो मेरे साथ भी नहीं रहेगी, राइट right? So for me, like there are so many layers of protection in this decision. So इसलिए I am celebrating it more because I have seen women जो कि इनके पास कहती हमारे पास कुछ चारा नहीं है. So now you have a mean and awareness का problem भी है. Like 125 तो था और पहले भी इसमें Daniel Faruqi और किसे किसके वो आए हुए हैं decision आए हुए हैं. लेकिन most of the time women को पता नहीं है. As a Muslim woman मुझे भी नहीं पता था कि there is this प्रोविजन जहां जाकर के मैं एक्सेस कर सकती हूँ अपने मेंटेनेंस के राइट को अगर मैं कभी शादी करती हूँ ऐसा कुछ आता है तो जो एजेंसी की बात मैंने वहीं पे लाई है कि चलो ठीक है मुझे मालूम पड़ गया और वुमेन मुस्लिम वुमेन को अब मालूम पड़ गया कि अगर हमें इस तरह का अपना हक चाहिए होगा तो हम कोर्ट जा सकते हैं, बट दिस इज रियलिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी की मुस्लिम सोसाइटी की 60-70% लोग तो ग्रेजुएट नहीं हो पाते हैं। ठीक है औरत का एक रियलिटी है कि मोस्ट ऑफ उसके लाइफ के डिसीजन तो घर वाले करते हैं, चाहे उसकी शादी का डिसीजन हो या उसको किस तरह से अपने आप को कंडक्ट करना चाहिए, राइट तो हम जब ये चीजें जानते हैं तो हमें पता है कि अगर कल को उसकी फैमिली उसके साथ उठ के खड़ी हो और बोले कि चल बेटा वी आर गोइंग टू फाइट अबाउट दिस थिंग और हम जाएंगे इसके थ्रू, तो वो जा पाएगी। अब वहां प्रॉब्लम यह आता है कि जब सोसाइटी में सब प्रेशराइज करने लगते हैं, जो शाहबानों के साथ हुआ है, जो ट्रिपल तलाक की केस लड़ रही थी उन औरतों के साथ हुआ है, जब वो पहले से ही प्रेशराइज करेंगे, और ये प्रेशर बनाने में क्लर्जी का बहुत हाथ होता है, वो आकर के एक मुहिम चला देते हैं कि देखो देखो ये पर्सनल लॉ नहीं मान रही है ये तो इस्लाम के खिलाफ काम कर रही है, तो वो सोसाइटी इतना प्रेशर बनाती है कि एक पल को आपकी फैमिली भी आपके साथ खड़ी हो जाए वो भी टूट जाते हैं, यू नो कितना खड़े होंगे।
तो यहाँ इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये सब चीजें लॉन्ग टर्म में सोल्यूशन नहीं लाएंगी। चलो ऐसी फैमिली के लिए जो कि केपेबल इनफ है इस प्रेशर को झेलने के लिए एंड समझती है इन अपने राइट्स को, वो तो चलो इससे अपना राइट ले लेगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द पुअर सोसाइटी का नहीं होने वाला है भला। तो मैं वही कह रही थी कि एक तरफ मैं इसका जो एक मैं क्या बोलूंगी, इसमें एक सेलिब्रेशन है मेरे लिए, वो भी मैं इसको देख रही हूँ, बट द सेम टाइम दिस इज नॉट इनफ, वी नीड मोर। एंड जब तक बाय डिफॉल्ट इस तरह का लॉ ही नहीं आएगा कि जो यूनिफॉर्म होगा और जो करेगा कि नहीं सबका यही प्रोसीजर है, स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर है, तब तक मुझे नहीं लगता है कि देर वुड बी सम चेंज। मैं ये थोड़ा सब सा इसमें ऐड करूंगा खालिद। आई अंडरस्टैंड जो आमना ने कहा, बट एक ध्यान रखिएगा, जब क्रूअल्टी का प्रोविजन अप्लाई किया गया ब्राइड बर्निंग का, और जब क्रूअल्टी का प्रोविजन लाया गया हिंदू डिवोर्सेज, तो हिंदूज में डिवोर्स ही नहीं होता, राइट? तो ये जो बिहेवियर्स थे जो औरतों सहने पड़ रहे थे हिंदू घरों में, उनमें भी ये पहले फीलिंग होती थी कंप्लेंट कौन देगा, धड़ाधड़ कंप्लेंट्स आई हैं, चिंता की कोई बात ही नहीं, कंप्लेंट पे कंप्लेंट आई, राइट? और कहां तक ले जाना पड़ा, लेजिस्लेचर टुक इट टू अ पॉइंट कि कंप्लेंट जब आती थी पूरा परिवार अरेस्ट होता था जिसके जिसके अगेंस्ट भी कंप्लेंट आई। 8-10 साल ये चला है, जब कोर्ट ने आगे बोला बहुत हो गया है, ये बहुत अनफेयर है, ये एक अनलिमिटेड पावर दे दी गई है। देखिए, आप एक फेयरनेस का एक प्रिंसिपल होता है, ये प्रिंसिपल बहुत पुराने हो चुके हैं, ये बहुत बार टेस्ट हो चुके हैं, ह्यूमैनिटी के कई कॉन्टेक्स्ट में टेस्ट हो चुके हैं, इनको अगर आप इम्बैलेंस कर देते हैं ना तो फिर प्रॉब्लम आनी है। तो उसके बाद फिर व्हेन हिंदू सोसाइटी हैड टू गो थ्रू दिस कि अरेस्ट होंगे, ऑन मास अरेस्ट होंगे, माँ बाप अरेस्ट होंगे, बहन अरेस्ट होगी, भाई अरेस्ट होगा, सब अरेस्ट होंगे, तब जाके अब जब उनसे बात करो बोलते हैं भैया इनको बोलो सेटल करवा दें बस किसी तरह, राइट? दैट इज व्हाट सॉल्व्स इट बैक टू अ इकोनॉमिक इशू, दिस इज रियली एन इकोनॉमिक इशू, देयर इज नथिंग मोर टू इट। इसमें कंसेप्चुलाइजेशन की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो ये आप बात कर रहे हो ना, क्योंकि पावर ब्रोकर्स अभी रिलीजियस पावर ब्रोकर्स, आप एक एक बात समझिए, वो आके कहते हैं आपको कि ठीक है ये औरत, इसको आप विक्टिमाइज कर रहे हैं ये कह के कि देखिए ये तो इस्लाम मानती ही नहीं है, अगर इसने 125 के अंडर की, आप समझिए कि वो उसकी लार्जर प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आज आपने इस चीज को छोड़ दिया तो कल को अपोस्टेसी कैसे छोड़ोगे, बिकॉज कल तो आराम से अपोस्टेसी भी हो सकती है, कोई मुड़ के बोल सकता है मैं नहीं मानने वाला, अगर वो नहीं मानते वो उस सिचुएशन में तो मैं इसमें क्यों मानूं। तो वो इनका जो आइडिया होता है वो हमेशा केतली गर्म करके ऑल और नथिंग बनाने का होता है, या तो हमें ऑल मिले, और अगर ऑल नहीं मिल रहा है तो नथिंग, एंड नथिंग वी विल नॉट एक्सेप्ट, करेक्ट? दैट इज वन सेट ऑफ पीपल, देन देर आर द मोर रैशनल विच विल ऑब्वियसली ऑलवेज बी द लार्जेस्ट पॉपुलेशन विच इज ट्राइंग टू रैशनलाइज बोथ साइड्स, बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। वो एक टाइम आता है खाली जहां पे आप दोनों साइड का खेल नहीं खेल सकते। हिंदुइज्म में यही हुआ, इवेंचुअली लेजिस्लेटिव साइड से भाई ये मिक्स एंड मैच नहीं चल सकता, खत्म करो सब ना। हिंदू मैरिज एक्ट में आज हिंदू एलिमेंट वही रह गया है कि आपके जो हिंदू रीति रिवाज है शादी करने के, उन्हें तवज्जो दी जाती है, उनके बिना आपकी हिंदू शादी नहीं हो सकती, लेकिन उसके बाहर कोई हिंदू एलिमेंट रह ही नहीं है उसका। तो एक ना एक टाइम पे आके ये होगा, और ये मैं कह रहा हूं कि ये चीजें शुरुआती तौर से ऐसे होती है। देखिए लोग बहुत बोलते हैं यूसीसी एक बार में पास कर दी रही थी, ठीक है कर लीजिए, मैंने उत्तराखंड का यूसीसी भी देखा, उसमें कोई नॉवल्टी नहीं है, बड़ा आसान है यूसीसी पास करना। यूसीसी का जो ग्राउंड वर्क है, लेजिस्लेटिव ग्राउंड वर्क है, इंडिया में डेकेड से हुआ पड़ा, इंडियन सक्सेशन एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट है, कितने स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट में आज मेरे को आप अंतर दिखा दीजिए, कुछ नहीं, वर्चुअली कुछ नहीं, राइट? सो ये चीजें हो चुकी हैं काफी हद तक। तो जो लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट होगी यूसीसी बड़े मुद्दों पे, मैं बड़े मुद्दों की बात कर रहा हूं, मैरिज कैसे होगी, डिवोर्स कैसे होगा, इनहेरिटेंस कैसे बटेगी, ये चीजें लेजिस्लेटिवली बहुत डेकेड से हैं। ऑप्ट इन की बात होती थी कि आप इसमें ऑप्ट इन करेंगे कि नहीं करेंगे, अब वो ऑप्ट इन हटा के एक यूसीसी बना दिया गया, बट आपको उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इस टाइप की जजमेंट्स जब आने लगती हैं और ये लॉ जब बदलने लगता है तो सोसाइटल चेंज बहुत जल्दी आता है। पर ये जो आप लोग एंटिसिपेट कर रहे हो ये सही कर रहे हो, अभी आपका पॉइंट ऑफ अभी आपका वो कॉन्फ्लिक्ट का स्टेज आएगा, बहुत बुरा कॉन्फ्लिक्ट का स्टेज आएगा, तो वो एक विद इन द मुस्लिम सोसाइटी एक आपको यू नो यू विल हैव टू डील विद दीस कॉन्फ्लिक्ट्स। निखिल, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि सो नाउ एलिमनी, वेदर यू आर अ हिंदू देखो डिवोर्स्ड आप वुमेन एलिमनी यूज करते हो मेंटेन्स,
a maintenance, huh? Because you're using it like you're watching an American legal show. Okay. Maintenance, basically, whether you are a Hindu divorced woman, Muslim, Christian. I want to class you. 125 जो होता है ना, वो सिर्फ divorced औरत पे नहीं apply करता. अच्छा. आप शादीशुदा हो सकते हैं. और आपकी शादी के दौरान आपको मेंटेन नहीं किया जा रहा है. आपका 125 को इन्वोक करने का हक है. तो मैं एक बार ना आपको सिर्फ ये जो कंक्लूजन सी कोर्ट की वो जल्दी से पढ़ के सुना देता हूं ताकि क्लैरिटी आ जाए. सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी अप्लाइज टू ऑल मैरिड वुमेन इंक्लूडिंग मुस्लिम मैरिड वुमेन. व्हाट डज दिस मीन? That even in the course of marriage, if you are not being maintained, then you are entitled to 125, right? उसमें तो कोई controversy हो ही नहीं सकती थी, because जो Muslim Protection of Women on Divorce Act था, वो तो divorce के event के बाद apply करता था. उसमें वो ये नहीं कह सकते कि वो marriage के वक्त नहीं apply कर रहा. Of course, there are other Sharia rules they would have said कि these are being breached, इनकी जगह आप नहीं कर सकते. But largely speaking, 125 का कोई conflicting law नहीं था उसमें. तो 125 applies in the state of marriage. Then second is 125 और CRPC applies to all non-Muslim divorced women. ये clarify किया कि एक ये तो ipso facto 125 applies to all. If you're non-Muslim, all women have the right under 125. तो इसमें देख लीजिए, in a sense Christians के लिए भी apply हो गया and other religious minorities के लिए apply हो गया. But for divorced Muslim women, 125 of CRPC applies to all such Muslim women married and divorced under the Special Marriage Act. ठीक है, ये एक स्पेशल कैटेगरी आ गई, बिकॉज़ देयर आर मुस्लिम वुमेन हु विल बी मैरिंग अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट विद पीपल फ्रॉम अदर रिलीजियंस, और मे बी मैरिंग अ मुस्लिम मैन बट चोज टू मैरी अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट एज अपोज्ड टू अंडर शरिया अंडर द मुस्लिम अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ. सो वहां पे 125 का तो कॉन्ट्रोवर्सी है ही नहीं, क्योंकि वो तो मुस्लिम मैरिज ही नहीं है, वो मुस्लिम डिवोर्स ही इन अ सेंस नहीं है. हालांकि क्लर्जी विल ऑलवेज से वो शादी ही शादी नहीं, करेक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट की शादी नहीं मान सकते. क्लर्जी तो ये इंसिस्ट करेगा, बट लीगल स्फीयर में इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता. लीगल स्फीयर में इफ यू आर अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट, तो कंट्रोवर्सी थी नहीं, आप पे 125 अप्लाई करना ही करना. इफ मुस्लिम वुमेन आर मैरिड एंड डिवोर्स्ड अंडर मुस्लिम लॉ व्हेन सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी एज वेल एज प्रोविजन ऑफ 1986 एक्ट आर एप्लीकेबल, देन सॉरी नॉट व्हेन, देन दोनों एक्ट अप्लाई करते हैं. ठीक है, और इसका इफेक्ट ये है, आप पे ऑप्शन रहता है, मुस्लिम वुमेन मुस्लिम ऑप्शन लाइज विद द मुस्लिम डिवोर्स्ड वुमेन टू सीक रेमेडी अंडर आइदर द टू लॉज और बोथ लॉज. दिस इज बिकॉज 86 एक्ट इज नॉट इन डेरोगेशन ऑफ सेक्शन 125 बट इन एडिशन टू द सेट प्रोविजन. इफ सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी इज आल्सो रिजॉर्टेड टू बाय अ डिवोर्स्ड मुस्लिम वुमन एज पर द डेफिनेशन अंडर द 1986 एक्ट, then any order passed under the provisions of the 1986 Act shall be taken into consideration under 127.3b of CRPC. 127.3b of CRPC effectively says that there are certain payments that have been made in the course of maintenance. Those should be deducted from any order being passed under 125. So effectively, an order that you take under 1986 Act, say for the period of meher, aisa ho sakta hai, dekhiye, aapka dower hai, aapka meher hai, ye actually bade amount, ho sakta bade amount. तो आपने इद्दत के पीरियड के लिए इसके इसके अंडर ले लिया, पर इद्दत के पीरियड के बाद की जो आपकी मेंटेनेंस होनी है उसके लिए आप 125 के अंडर जा सकते, और वो अमाउंट चाहे छोटा है, और वो चाहे और कोर्ट ये कह रही है कि जो आपका पहला 86 एक्ट के अंडर जो अमाउंट आया है वो भी उसमें इंक्लूड किया जाएगा कैलकुलेशन, वो मॉनिटरी बना दिया. The 1986 Act could be resorted to by a divorced Muslim woman as defined under the Act by filing an application thereunder, which could be disposed of in accordance with the said enactment. In case of illegal divorce, ये अलग चीज़ आ गई. अब ये illegal divorce का आ गया because of the triple talaq. Triple talaq. Correct. इसमें इस केस में भी triple talaq था, लेकिन illegality का issue raise नहीं किया गया था. तो ये नहीं कहा गया था कि आपका divorce ही illegal. Relief under Section 5 of the Act could not be availed for seeking subsistence allowance. Or at the option of such a Muslim woman, remedy under Section 125 of the Act could also be availed. So, there is Section 5 of this Muslim laws of the Muslim Protection of Women from Divorce Act, which is, I'll just quickly read it to you. Sorry, option to be governed by the provision of Section 125 to 128 of Act 2. If on date of the first hearing of the application under Section 2 of Section 3, a Muslim divorced woman and a former husband declare, both had to do it together,
by affidavit or any other declaration writing in such form as may be prescribed by the that they jointly prefer to be governed by the provisions of section 125 to 128 and file such affidavit, the magistrate shall dispose of such application accordingly. Mm-hmm. Right? So what the court is saying is that you could avail under section 5 or you could avail directly under 125. फर्क ये होता है कि सेक्शन 5 में दोनों मिलके बोलते हैं कि हमको 125 के अंदर ही जाना है बट इवन इफ द हस्बैंड इज नॉट अग्रीइंग यू कैन गो अंडर 125 अलोन एज अ मुस्लिम वुमन डिवोर्स वुमन इफ ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अ पिटीशन फाइल्ड अंडर सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी अ मुस्लिम वुमन इज डिवोर्स्ड देन शी कैन टेक रिकोर्स अंडर 125 ऑफ सीआरपीसी और फाइल अ पिटीशन अंडर द 2019 एक्ट नॉट 2019 एक्ट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ दिस एक्ट ओनली द 2019 वर्जन ऑफ दिस एज वेल ओ उन्होंने बेसिकली द इम्पोर्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस इज एवरी सिंगल एवेन्यू बाय विच द स्टेट कैन डिस्चार्ज उनकी जो एक ऑब्लिगेशन होती है कि हर इंसान एक ह्यूमेन तरीके से रहे उसका एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो उसका एक प्रॉपर स्तर हो ताकि वो डेस्टिट्यूट ना हो उसके उसको फुलफिल करने के लिए आपको जो रेमेडी जो एवेन्यू लेना है वो आपको दिया गया थैंक्स निखिल आमना लास्ट क्वेश्चन आपसे आपने शाबानो का भी केस देखा है हर ट्रैजिक लाइफ एंड उनके बाद उनके बेटे का भी एक इंटरव्यू था जब ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज कर दिया गया उन्होंने क्या कहा था बेसिकली उन्होंने उस चीज को मैं समझता हूँ वेलकम किया था तो इसी नोट पे शाबानो यू थिंक फाइनली गेट्स अ सॉर्ट ऑफ अ क्लोजर विद टुडेज जजमेंट आई मीन उनकी पर्सनल लाइफ तो आई डोंट नो कि उनको कभी क्लोजर मिलेगा जिस तरह की लाइफ उन्होंने जी है पूरी जिंदगी आप किसी एक इंसान के साथ बिताओ उसके 5 बच्चे हो आपको और फिर वो आदमी दूसरी शादी कर ले फिर भी आप रहो और उसके बाद आपको घर से निकाल दिया जाए इमेजिन दैट जो चीज मुझे सबसे ज्यादा दुख देती है वो ये कि हिंदुस्तान का जो सबसे पावरफुल इंसान होता है उस वक्त हिंदुस्तान का वजीर आलम प्रधानमंत्री वो भी आपको बोले कि आपके साथ ना खड़ा हो सके और आपसे उम्मीद करे एक उस वक्त तो उनको बोला जा सकता है ना पुअर अबला नारी वैसे मैं अबला यूज नहीं करना चाहती बट उनकी हालत तो यही थी उससे बोले कि देश में शांति रखने के लिए हमें आपका हक नहीं देना है तो कितनी अफसोस की बात है ये मैं जब भी इसको पढ़ती हूँ मुझे बहुत वो एक होता है ना हार वाली जो डिसिल्यूजनमेंट हो जाती है हाँ और बहुत हारने जैसी एक वो आती है एज अ मुस्लिम वुमेन मुझे कलेक्टिवली हमारी हार नजर आती है वहां पे तो एक वो दर्द रहता है तो मैं पढ़ रही थी उनके बेटे का जो एक इंटरव्यू दिया है उन्होंने आई थिंक क्विंट में भी छपा था और 2-3 और न्यूज़पेपर में टाइम्स नाउ में या किसी और में भी है एंड आई थिंक इट शुड बी रेड बाय एवरीवन क्योंकि उसने पूरे तरह से उनको तो पता भी नहीं था कि वो किस तरह से इस्लाम के और शरिया के अगेंस्ट जा रहे थे एंड किस तरह से मौलवी आकर के उनके ऊपर प्रेशर डालना स्टार्ट किया था कुछ लोगों ने बोला कि हम तुम्हें पैसे दे देंगे बट तुम इसको जो है बिल्कुल छोड़ दो इस चीज को केस को मत लड़ो आगे एंड फिर भी उनकी मां ने कहा कि ये तो मेरी डिग्निटी की लड़ाई है और ये लड़ाई जारी रखी तब तक वो लोग नहीं हटने को तैयार थे जब तक कि वो लोग दिल्ली नहीं गए अकॉर्डिंग टू द सन की आफ्टर वहां पे आने के बाद वहां उनको बोला गया कि अगर आप नहीं करते हो ऐसा तो बहुत मुसीबत हो जाएगी तब जाकर के वो पीछे हटी कि ठीक है मैं अब मेंटेनेंस नहीं दूंगी तो आई मीन इज देयर एनी कंक्रीट एविडेंस फॉर इट आई डोंट नो बट ये बेटे का वो है तो बेटे ने लिखा है कि मेरी माँ के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई तो एज अ सिंबोलिज्म तो मैं बोलूंगी कि ये डिसीजन के बाद आई होप कि एज अ सिंबोलिज्म तो कुछ तो बदला है एटलीस्ट एंड इसमें मुझे एक बात और समझ में नहीं आती कि सिर्फ उनके ही मेंटेनेंस की बात नहीं थी बच्चों का क्या हुआ एंड बहुत सारी और भी चीजें हैं लाइक मैं इसके बारे में बोलती हूँ कि जब आप पर्सनल लॉ को समझेंगे आपको समझ में आएगा कि किस तरह से पूरा ऑर्गेनाइज एक क्या बोलूं मैं क्राइम है अगेंस्ट द वुमेन क्योंकि बच्चों का अब राइट भी जो है वो माँ को बाय डिफॉल्ट नहीं मिलता है सर्टन एज मिलता है तो जो मेहर का भी रकम है ना आई हैव सीन अगर कोई इंसान जैसे कहते हैं ना मिसयूज कर सकता है लॉ का तो करेगा तो जो मेहर की रकम है कई बार वो आदमी लोग माफ करवा लेते हैं ये कह के कि मैं तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे साथ रहने दूँ इमेजिन दैट उस टाइम किसी को अपना शरिया और इस्लाम भी याद नहीं आता है सो अगर आप उसको जितना समझोगे बेहतर आपको उतना अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्यों बोलती हूँ कि ठीक है ये जो आ रहे हैं फैसले खुशी की बात है और बदलाव भी आने चाहिए लेकिन इन द एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड जब तक ये लोग हैं जो धर्म के ठेकेदार बने होते हैं ये जब तक वहां पे रहेंगे डिसाइड करने के लिए मुझे नहीं लगता कि कुछ कंक्रीट चेंज आएगा
स्टेट से ही मुझे उम्मीद है, स्टेट का जो सेक्युलर लॉ आएगा तभी मुझे लगेगा कि हमारी लड़ाई खत्म हुई है, उसके पहले तो ये लड़ाई खत्म नहीं होगी, ये बस मतलब शुरुआत है आई वुड से। चलिए, काफी अच्छी शुरुआत है एंड होप फॉर द बेस्ट इन द फ्यूचर। थैंक यू निखिल हमें ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू आमना, थैंक्स फॉर एंड हैविंग, थैंक्स फॉर हैविंग मी गाइस। ट्रूली अ हिस्टोरिक वर्डिक्ट व्हिच शुड हैव नॉट टेकन दैट लॉन्ग। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स। थैंक यू।